अरे ये क्या हुआ, लोगों की मन में कई दिनों से उम्मीद थी कि सलार 2 का शूटिंग बहुत जल्द स्टार्ट होगा, लेकिन अब ये ऑफिशियली पता चल चुका है कि सलार 2 पोस्टपोन हो गया है, क्योंकि प्रशांत नील ने अब जूनियर एनटीआर के साथ उनकी नया मूवी में काम करेंगे। देखिए कुछ दिनों से ये न्यूज आ रहा था कि सलार 2 का शूटिंग इस महीने की एंडिंग में स्टार्ट होगा और प्रशांत नील इसको बिटवीन 5 मंथ्स कंप्लीट कर देगा और टाइट बजट रखेगा, क्योंकि सलार मूवी कुछ पोर्शन में खास करके आंध्र प्रदेश में फ्लॉप हुई है। डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनसेशन देने के लिए हम्बल्स ने जो प्रपोजल दिया था, तो इस वजह से इसको सलार 2 का बजट कम रखा गया। लेकिन आज मैत्रा मूवी मेकर्स ने ये ऑफिशियली बताया है कि प्रशांत नील और जूनियर एनटीआर एक साथ एक मूवी में काम करने का, जिस मूवी का टाइटल होने वाला है ड्रैगन, और ये ड्रैगन टाइटल करण जोहर से इन दोनों ने लिया, यानी प्रशांत नील ने और या जूनियर एनटीआर ने लिया है। 2014 में करण जोहर ने ये ड्रैगन टाइटल रजिस्टर किया था और ये रणबीर कपूर के साथ एक फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन वो ये बना नहीं और उनके साथ ब्रह्मास्त्र मूवी बना। तो जब प्रशांत नील ने उनसे ड्रैगन टाइटल मांगा, उन्होंने तुरंत दे दिया, क्योंकि वो देवारा का हिंदी वर्षन लिया है, हिंदी वर्षन का जो राइट लिया है नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए करण जोहर और ए फिल्म्स ने, तो जनरली उन लोगों की एक अच्छे रिलेशनशिप है। तो जब भी उन्होंने ये ड्रैगन टाइटल मांगा तो उन्होंने दे दिया। अब जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील का आपका मूवी का टाइटल है ड्रैगन, लेकिन बात वो नहीं है, बात यह है कि प्रशांत नील ने अल्टीमेटली जूनियर एनटीआर को चूज किया प्रभास की जगह में। लोगों की या फैन लोग उम्मीद कर रहे थे कि सलार 2 का शूटिंग बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब ये समझ में आ गया कि सलार 2 कम से कम अगले 2 साल में रिलीज नहीं होने वाली, क्योंकि अगस्त से ये शूटिंग स्टार्ट करेंगे, कम से कम तो 1 साल लग ही जाएगा, तो 1 साल तो हो ही जाएगा, उसके बाद इसका रिलीज है। फिर प्रशांत नील किस मूवी में काम करेंगे ये तो पता नहीं। ऊपर से पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ महेश बाबू के जो SSNB 29 में उनके काम करने की बातचीत चल रहा है, होपफुली अगर वो एज ए विलेन वहां पे ज्वाइन कर ले तो फिर तो और भी मुश्किल हो जाएगा सलार 2 बनने में, क्योंकि सलार 2 में पृथ्वीराज सुकुमारन प्रभास का दोस्त है, तो उनका तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, फिर डेट मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये कहा जा सकता है सलार 2 ऑफिशियली पोस्टपोन। मुझे ऐसा लग रहा है कि सलार 2 शायद अगले 2-3 साल में नहीं बनेगा, हो सकता है बन गई तो अच्छी बात है, क्योंकि डेट एडजस्ट करना काफी बाद में मुश्किल हो जाएगा अगर पृथ्वीराज सुकुमारन ने राजा मौली की मूवी में काम कर लिया तो। अब देखना यह कि प्रशांत नील क्या करते हैं, लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय है अब सलार 2 अगले 2 साल में नहीं बनने वाली है, लेकिन ये मूवी भी काफी अच्छा होगा होपफुली, क्योंकि देखिए जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील पहली बार एक साथ काम कर रहे हैं, प्रशांत नील के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, तो होपफुली जूनियर एनटीआर को वो कुछ नया अवतार में प्रेजेंट करेंगे। तो देखते आखिर में ये ड्रैगन मूवी प्रशांत नील और जूनियर एनटीआर के कैरियर को किस मोड़ पर लेकर जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।